दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में एक फ़ोन लॉन्च किया है जो कि S10 Plus है। उसको अनाउंस किया था उसने 2 दिन पहले, 22nd of February को। आज वो मेरे हाथ में है, ये आप इसका फर्स्ट लुक देख रहे हैं। ये देखिए ये कैसा दिखने में लग रहा है, कैसा इसकी स्क्रीन है। इसमें स्क्रीन पे 2 कैमरे दिए हैं और बैक में 3 कैमरे हैं। इसमें ट्रिपल कैमरा है, उसके बाद फ्लैश है और सेंसर है। और फ्रंट में इन्होंने 2 कैमरे दिए हुए हैं, जो 10 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का, और ये स्क्रीन में ही दिए हैं इन्होंने। और उसको इसके जो फिंगरप्रिंट है ये भी इन्होंने स्क्रीन में दिया है। देखते हैं, फिंगरप्रिंट तो इसका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अब हो सकता है ये अभी इसको फिक्स करेगा आगे वाले आने वाले दिनों में इसको सैमसंग ज़रूर, क्योंकि इसका इतना ख़ास नहीं है, बिल्कुल फास्ट भी नहीं है और ये फिंगर को बिल्कुल भी स्कैन नहीं करता है। देखते हैं फिर भी इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ, सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि क्या ये वर्क करता है सही या नहीं। देखिए मैंने इसमें अपने फिंगर को स्कैन किया है, मगर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, प्रो नो मैच। तो इतना अच्छा तो इसका ये फिंगर प्रिंट लॉक जो है इतना अच्छा नहीं है, फिर भी सैमसंग इसे इम्प्रूव करेगा ये तो उम्मीद है। और लेकिन जो फ़ोन जो है ये बहुत अच्छा और 6.4 इंच का इसका डिस्प्ले है और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये। और इसकी इंडिया में जो प्राइस है वो 73,900 यानी 74,000 सम है इसका। और इसमें आप देख सकते हैं ये इस साइड से कैसा लग रहा है। और ये कलर जो है ये वाइट कलर में है, ज़्यादा ख़ास तो नहीं दिख रहा है ये। और इसका जो एंड्रॉयड पाई है इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसका ये देखें आप, और जो इसकी बैटरी